गाइस वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग बात करेंगे जेएमएन 2022 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो आप सभी को पता है कि द टाइम ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि आप लोगों का जेएमएन 2022 का एग्जाम अब दो बार होगा, चार बार नहीं होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि ये फेक है या सच्चाई क्या है। तो अभी तक कोई ऐसा एनटीए का ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है कि आप लोगों का टोटल कितने अटेम्प्ट्स होंगे। तो अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है एनटीए की तरफ से, लेकिन द टाइम ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, उसमें आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उसमें अगर कुछ भी प्रिंट है तो वो कुछ सोच समझ के उसमें प्रिंट किए हैं। तो एक इंटरव्यू के थ्रू उन्होंने ये प्रिंट किया था, उन्होंने अपने आर्टिकल में ये प्रिंट किया था कि आप जेएमएन 2022 का जो एग्ज़ाम है, जो अटेम्प्ट्स है, वो चार नहीं होगा, आप सिर्फ दो ही अटेम्प्ट्स होगा। और एक टेंटेटिव डेट भी उन्होंने बताया था कि आप लोग का जो एग्ज़ाम डेट है वो टेंटेटिव डेट आप लोग का 10 अप्रैल बताया गया है। और रजिस्ट्रेशन आप लोग का इसी वीक से या नेक्स्ट वीक से आप लोग का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और जेएमएन तो और ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, जिससे आप लोग ये भी सोच सकते हो कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आप लोग का कंफर्म रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और टेंटेटिव आप लोग का डेट जो बताया जा रहा है वो 10 अप्रैल बताया जा रहा है। तो आप लोग को ये 90% आप लोग को लेकर चलना पड़ेगा कि आप लोग जो टोटल अटेम्प्ट्स होंगे वो चार अटेम्प्ट्स नहीं होगा, अब सिर्फ दो ही अटेम्प्ट्स होगा। लेकिन अभी तक एनटीए ने कोई ऐसा ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया, और तुरंत एनटीए भी आप लोगों का कुछ ऑफिशियली अपडेट दे देगा। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं 75 क्राइटेरिया का। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे 75 क्राइटेरिया के लिए भी मैसेज कर रहे थे। तो 75 क्राइटेरिया वो आप लोग का रिमूव है, जो ड्रॉपर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो 100% रिमूव है, लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनका अभी ठीक से हम लोग बोल नहीं सकते हैं, उनका 75% क्राइटेरिया रिमूव है या नहीं है हम लोग 100% श्योर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो ड्रॉपर कैंडिडेट्स हैं उनका 100% 75 क्राइटेरिया जो है वो रिमूव है। तो आप सबकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जैसे कोई भी ऑफिशियली अपडेट आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये सब आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये से लेकर जेड तक आप लोगों को गाइडलाइन मिलेगा। तो मेक श्योर आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।